हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, काफ़ी दिनों से मैंने फ्री फायर के ऊपर एक भी वीडियोस नहीं बनाया था, तो मेरी पब्लिक थोड़ी सी नाराज हो गई। बट कोई बात नहीं यार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम कमाल की लोगो बनाना सिखाऊंगा। एंड ये लोगो आप फ्री फायर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे गेम्स में यूज़ कर सकते हो, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज के हम अपने फीचर चैनल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, आज के जो हमारे फीचर चैनल है वो रुद्रा नील बैनर्जी है, तो आप उनके चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को अपने पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में इधर आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है कि आप लोग अपने गेमिंग चैनल का जो भी नेम होगा ना, वो आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हैकाई टीवी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये मैस्कॉट जो भी मैं यूज़ करूँगा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग उधर से पहले डाउनलोड कर लेना। एंड देख लो गाइस, यहाँ पे आपको इसकी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करनी है, फिर इसे आपको अल्ट्रा पे करके इसे सेव कर लेनी है। एंड अब हम चलते हैं अपने पीएस टच एप्लीकेशन में। तो गाइस, पीएस टच या पीएससी आपके पास जो भी एप्लीकेशन होगा ना, उसे आप ओपन कर लेना। एंड 2000x2000 की एक प्रोजेक्ट की आप लोग को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस क्या करना कि आप लोग अपने मैस्कॉट को इधर ऐड कर लेना। एंड यहाँ पे मैं मैस्कॉट को अपना ऐड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड ये वाली मैस्कॉट की मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग को मिल ही गई होगी। एंड देख लो, कुछ इस टाइप से इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है आपको, इतना दूर तक हम लोग यूज़ करेंगे। एंड जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी ना, उसकी कलर को हम लोग यहाँ पर कुछ इस टाइप की ग्रे कर देंगे, ताकि अच्छे से विजिबल हो हमारे लिए। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने शील्ड को ऐड करते हैं। शील्ड को ऐड करने के बाद देख लो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको फिट कर देना है अपने सेंटर में। एंड अपने मैस्कॉट को भी उसके ऊपर से अच्छे से आपको फिट कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अच्छे से फिट कर लिया है। सेम आप लोग को करके ऐसे रखना है। एंड यहाँ पे देख लो, हाँ हो गया हमारा ये फिट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने शील्ड पे हम कलर को ऐड करेंगे। तो सिंपली आपको टिंट वाले ऑप्शन पे जानी है। एंड यहाँ पे जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हो ना, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा थीम यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोड भी आपको मिल गया होगा, तो ये थीम आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने टेक्स्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोटो लाइब्रेरी पे गए यहाँ पे, एंड अपने टेक्स्ट को यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जो मैंने पिक्सल लैब में अभी क्रिएट किया था। एंड सेम आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से उसे पोजीशन पे फिट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिट कर लिया। एंड यहाँ पे देख लो, थोड़ा हकाई और टीवी के बीच में थोड़ा ना बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम गैप कम कर लेते हैं इसकी लेयर को अलग करके। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर लेंगे ट्रांसफॉर्म करके। तो देख लो, यहाँ पे गैप कम हो गई। एंड आपको बीच में एकदम सेंटर में फिट कर लेना है कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट की सेलेक्ट पिक्सल करेंगे। एंड पॉलीगन सेलेक्शन टूल से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम के है ना, एंड के एंड टी को यहाँ पे हम अलग कर लेंगे, ताकि उसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ कर सके। एंड बाकी जो टेक्स्ट है उसमें हम डिफरेंट कलर यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि के एंड टी को इस तरीके से सेलेक्शन क्रिएट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि प्लस वाले आइकन पे जाना, लेयर फ्रॉम सेलेक्शन कर देना, एंड बाकी जो मेन लेयर है ना उसमें से क्लियर कर देना, ठीक है। देख लो, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो के एंड टी हमने अलग किया था ना, उस पर यहाँ पे हम कलर कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। तो ग्रेडियंट पे सिंपली आपको जाना है, एंड जो भी ग्रेडियंट आपको ऐड करना होगा ना, लाइक यहाँ पे मैं ऑरेंज थीम पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऑरेंज ही टाइप की ग्रेडियंट मैं यूज़ करूँगा। एंड ग्रेडियंट आप बहुत बनाना ईजी है, तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो अच्छा वाला ग्रेडियंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, बाकी का जो टेक्स्ट है ना, उस पर हम यहाँ पे वाइट कलर फिल करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि वेट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाना, एंड एक्सपैंड को यहाँ पे -2 कर लेना। फिर यहाँ पे एक सिल्वर और ग्रे कलर की जो ग्रेडियंट है ना, वो आपको यहाँ पे यूज़ कर लेनी है, ताकि थोड़ी सी शाइन आए आपके टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम मर्ज लेयर को मर्ज कर लेते हैं, फिर सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड एक्सपैंड आपको कर देना है अराउंड 15, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एम्प्टी लेयर करके एंड पे जाएंगे, फिल एंड स्ट्रोक पे जाएंगे, एंड यहाँ पे ब्लैक कलर हम फिल कर देंगे। तो देख लो, आपके टेक्स्ट के पीछे ब्लैक लेयर बन गई है, ताकि आपकी टेक्स्ट और अच्छे से उभर के दिखे, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि देख लो, जहाँ जहाँ एरिया यहाँ पे छुटा हुआ है ना, उसकी एजेस को हम शार्प कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप लोग को भी शार्प करना है, तो इस तरीके से सेलेक्शन क्रिएट करना होगा। पॉलीगन सेलेक्शन टूल आप ज़रूर से सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं फिट कर लेता हूँ, देख लो हो गया हमारा। एंड यहाँ पे आपको इसे मिक्स कर लेना है। तो देख लो, एक सेलेक्शन क्रिएट हो गया, उसमें आपको ब्लैक कलर फिल कर देनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका,
यहाँ पर हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दो डिज़ाइन और हमें ऐड करना होगा। लाइक यहाँ पे मैं स्टार को ऐड कर रहा हूँ, तो स्टार ऐड करने के बाद इसमें आपको जो भी कलर फिल करना होगा ना, वो कलर आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी ऑरेंज थीम पे लोगो है, तो ऑरेंज कलर ही मैं यहाँ पे फिल करूँगा एंड इसे डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से तीन यहाँ पे स्टार मैं क्रिएट कर लूँगा। अब यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना, उसको मैं हाइड करके बाकी सभी लेयर को मैं मर्ज कर लूँगा एंड उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल करके ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एंड एक बार और ट्रांसफॉर्म कर लेंगे पूरा, ताकि हमारी जो स्ट्रोक है ना वो अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एम्प्टी लेयर पे जाएंगे, अपने लोगों के नीचे वो लेयर को रखेंगे एंड ग्रेडियंट पे जाके हम सेम ऑरेंज वाली ग्रेडियंट जो हमने टेक्स्ट में यूज़ किया था ना, वो आपको यहाँ पे रख लेनी है। तो यहाँ पे मैं कोड दिखा देता हूँ, आप कोड देख लो अच्छे से, तो वही चीज़ आप सेम अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ तक गाइस हमारी काम कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पॉलीगन सेलेक्शन टूल से यहाँ पे हम इसकी जो हमारे एजेस है ना, उसको और शार्प कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा प्रोफेशनल ये दिखे। बाकी बंदे ये करते नहीं हैं, तो उनका लोगो कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये अनप्रोफेशनल सा लगता है अगर आप अपने एजेस को शार्प नहीं करोगे। तो देख लो मैंने सभी एजेस को शार्प कर लिया है एंड उसको हम नीचे वाले लेयर से मर्ज भी कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो अब बाकी बचती है हमारी जो बैकग्राउंड है, तो वो आप बहुत अच्छे से क्रिएट कर लोगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेना कुछ इस टाइप से। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।